हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाएंगे दही वाली मिर्ची। तो जिसके लिए मैंने हरी मिर्ची ली है, इनको अच्छी तरह से वॉश करके रखा है। दही, ताजा दही, सरसों दाना, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर। तो मिर्चियों को पहले हमें कट कर लेना है इस तरह से। तो मिर्चियों को हमें इस तरह से काट लेना है और हल्का हल्का मैंने कूटना है, हल्का हल्का सा। तो मिर्चों को हमें इस तरह से कूट लेना है। मिर्चों को अब हम धो लेंगे ताकि इनके जो बीज हैं वो निकल जाएं। मिर्चों को कूटने के बाद हमें साफ पानी से इन्हें धो लेना है ताकि इनके बीज निकल जाए और मिर्च हमारी ज्यादा तीखी ना रहे। तो देखिए कितने सारे बीज निकले हैं। पानी को फेंक देते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है। डालेंगे सरसों का ऑयल। ऑयल थोड़ा ज्यादा डालना है। गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है तो ऐड कर देंगे सरसों दाना। ऐड कर देंगे मिर्च। दो से तीन मिनट हमें इस तरह से ही भूननी है। तो मिर्च हमारी भुन गई है, इसी तरह से चाहिए। तो ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे दही। दही हमें धीरे धीरे डालना है, ज्यादा एक साथ नहीं डालना। मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। दही डालने के बाद हमें मिर्चों को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा। एक मिनट हमें इसी तरह से पकाना है। तो हमारी दही वाली मिर्ची बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गैस को कर देते हैं बंद।